warm welcome to our continuing coverage on Rajya Sabha TV on a day when our nation is mourning the loss of one of its tallest prime ministers, who was not only a memorable parliamentarian, but a brilliant orator, a statesman, someone who's left an irreplaceable void in politics. We have lost our beloved former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee. In one of his poems, he wrote, "What is the age of death? Not even a couple of moments." And it's ironical today, a little past 5 p.m., Atal Bihari Vajpayee was declared dead after battling a long stint of illness. All his well-wishers and friends are at a loss of words. Shyam? जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए देश को सूचित किया जब उन्होंने कहा कि वो निशब्द हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं है, हालांकि भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। और हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, अभिज्ञान हैं वरिष्ठ पत्रकार और उनके साथ ही स्मिता मिश्रा, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी को करीब से देखा, उनको कवर किया। अगर अभिज्ञान आपके साथ हम शुरू कर सकें, हमने दोपहर 2 बजे से हम लोग वाजपेयी जी के अलग अलग पहलुओं के बारे में, वो कितने बड़े राजनेता थे, एक स्टेट्समैन के तौर पर उनकी विदेश नीति किस तरह की थी और क्या खास बातें थी, उस पर चर्चा की। आपने बहुत करीब से वाजपेयी जी को देखा, और उनके निधन के बाद किस तरह से याद करना चाहेंगे? निजी तौर पर तो बहुत सारे स्मरण हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि बहुत सरल थे। और मैं आज दिन से बात कह रहा हूँ कि राजनीति में आने के बाद या राजनीति में कोई मकाम पर पहुंचने के बाद जिस तरह का अहंकार आता है नेताओं में, बस यही वो सीख लें अटल बिहारी वाजपेयी से जी। तो पर्सनली तो बहुत सारी घटनाएं हैं, तो उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो थी उनके बारे में, जब उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर होने का निर्णय लिया, तो हम लोग अक्सर आपस में कहते हैं ना कि एक बार कोई पॉलिटिशियन है तो उसके खून में वो राजनीति घुस जाती है, लेकिन कितना बड़ा वो व्यक्तित्व था। मैं उसके बाद उनसे मिला भी, कभी आपने उनसे कोई, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं सुना, बीजेपी की कोई पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप नहीं सुना, कभी उनके मुंह बनाने के किस्से नहीं आए, कभी उनके नाराज होने के किस्से नहीं आए। तो बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा ये कहते हुए कि वो अटल जी थे और अटल जी ही रहकर वो गए। स्मिता यहाँ बैठी है, राजनीति में बड़े काबिल हो जाते हैं नेता और खुद अपनी फजीहत। बिल्कुल, अभी क्या आप सही कह रहे हैं, उनका स्टैचर उन्होंने जो बनाया जी, उसको अंत तक उसी कद से बनाए रखा जी। अटल जी थे और अटल जी कोई और नहीं हो पाया। और आपने सही कहा कि ये कहा जाता है राजनेताओं के बारे में कि नेता राजनीति छोड़ देते हैं लेकिन राजनीति नेताओं को नहीं छोड़ती, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके बाद हस्तक्षेप पार्टी की गतिविधियों में, और बड़ा स्पष्ट थे। मैंने कहा मेरी बड़ी लंबी उसके बाद उनसे एक दफे ऐसी गपशप चर्चा हुई, तो और स्वास्थ्य बाद में था ही कारण, लेकिन एक बड़ी बात होती है, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा प्रभावशाली नेता, लेकिन कभी भी उसके बाद उन्होंने बीजेपी मैटर्स में या संघ से जुड़े हुए मसले हों या पार्टी और नई रणनीतियों के मसले हों, सिर्फ उन्होंने 2009 में जब अडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए, तो एक चिट्ठी और पूरा अडवाणी जी का साथ देते हुए कि भाई मेरा उनको पूरा समर्थन, वो उनके पुराने साथी भी। ये सब तो व्यक्तित्व बताता है एक पॉलिटिशियन का, और इसीलिए वो अटल बिहारी वाजपेयी है, बाकी लोग जी। But Smita, when you talk about the Vajpayee era, as just Bigyan was mentioning that Atal ji was Atal and he died the way he actually wanted, you know, he penned his lines on death also in his poems. But the era of Vajpayee definitely is not going to come back ever, because many of the politicians still say that what we saw during Vajpayee era, we'll never see it in future. Yeah, but there are very, very many reasons for any of the eras of politics not coming back. For one reason, because times change, politics changes. So even if we are going to have another Vajpayee, which is anyway unlikely, we cannot have the same situations, the same ecosystem, the same politics, the same people also. Yeah. So therefore, it is, I think, naive to try to recreate something which is over. But I must tell you that that does not mean that the role of Atal Bihari Vajpayee as a statesman par excellence, I must say, should end in Indian politics. Because he has created milestones during his tenure as a prime minister, definitely. But many more milestones, even when he was an opposition leader. Please don't forget.
that Vajpayee, the legacy of Atal Bihari Vajpayee in the Indian political system is not limited to those 6 years of his prime ministership. He had already given us a rich legacy even when he had not become prime minister. As prime minister, the biggest milestone he created was that you can form a non-Congress government and you can run it till its term. Several efforts had been made to form a non-Congress government even before him. But they were not very happy experiences. There were too many lessons. Vajpayee regime also had its lessons, but it had very good lessons. Hmm. It had the first lesson that in India, we have reached a position, we have reached a political situation where a non-Congress government without any support from the government can complete its full term, can take tough decisions, can have its own policy framework. He also created the ecosystem where he made it possible that a coalition need not be only about contradictions. Of course, there will be contradictions. We as reporters have covered the contradictions like anything. Absolutely. Shyam will remember those breakfast meetings of the NDA, which started at 7 in the morning in 7 RCR, which is now Lok Kalyan Marg, and go on till late in the night. And we didn't know what was going on. And Abhigyanji has been very fortunate to have a much closer view of we had a ringside view. Unki access baki logon se thodi si zyada thi. Aur Abhigyan, aap ho chahe Deepak Chaurasia ho, hamare abhi jo editor in chief hain Rahul Rajan ho, ye sab TV ke journalist the. Aur TV ke journaliston se kai baar neta thoda sa dur bhi rehna chahte the, khas taur pe us waqt mein bada matlab 24/7 ka daur shuru hua tha. Maine abhi ye baat kahi, I must repeat it right now ki बड़ा अनकंफर्टेबल थे अटल जी टेलीविजन से. पहली बार उनको ये माध्यम नहीं, उसके इतना इतना बड़ा ओरेटर, उनको टीवी इंटरव्यूज से बड़ा एतराज था. अच्छा, वो जरा इत्मीनान से लीन करके पॉज करके वो बोलते थे, हमारी भी जान निकल जाती थी उनकी बाइट्स निकालने में. वो जितना बोल रहे हैं उसके बाद तो बीच में पॉज आ जाता है. तो अपने वो पुराने ढर्रे के हिसाब से चलते थे, बड़ा खुश थे. आप उनके घर में कई दफे मैं जब गया तो बाहर एक मेज़ होती थी, मेज़ पे तमाम सारे अखबार रखे रहते थे. संपादकीय पढ़ने का उनको बहुत शौक था. और जो मैं बड़ी बातें बता रहा हूँ उस हिसाब से कि क्रिटिक्स जो आलोचक हैं उस पर उनकी खास तवज्जो रहती थी. तो ये जो चीज़ जैसे इकोसिस्टम की बात कर रही है स्मिता, देखिए यही सब तो बदलता है. उनका ये सोचना नहीं था कि जिस चीज़ से आप नाइंतफाकी रख रहे हैं वहाँ पर एक आप आयरन कर्टन डाल दीजिए, वहां पे चीजों को रोक दिए. बल्कि वो वाकई जनसंवाद के नेता थे. वो कहते थे कि बात तो करो भाई. जो इंसान पाकिस्तान की नीति को लेकर बार बार विफल हुआ हो और फिर दोस्ती कहां बढ़ा रहा हो, तो आप सोचिए उनके अंदर कितना यकीन. नहीं बिल्कुल, और पहले भी हम लोगों ने इस विषय पे बात की क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया. उन्होंने कंपोजिट डायलॉग शुरू किया. हाँ। लाहौर बस लेकर गए और आगरा समिट हुआ. लेकिन बार बार फेल होने के बावजूद जो लोगों का भरोसा उन्होंने देश में जीता, किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दोष नहीं दिया बल्कि उनको इसके लिए शाबाशी मिली कि दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने की उन्होंने एक गंभीर कोशिश की. ये बात बिल्कुल सही और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि वो उस लिहाज से, और आपने मेरे दो मित्रों का नाम लिया, हम लोग जब भी मनाली में छुट्टी पे होते थे तो हम लोग जाते थे वहाँ पर, और एक अलग किस्म का इंटरेक्शन था स्वाभाविक है, वहाँ वो ज़्यादा रिलैक्स थे. तो ये उनकी हकीकत में सोच थी. मैं आगरा समिट में उस होटल में मौजूद था, अपनी आंखों से मैंने देखा कि साहब किस तरह से नाराज होकर मुशर्रफ वहाँ से गए, कलैप्स हो गया पूरा समिट. लेकिन कमाल के इंसान थे, उनका हौसला वापस उस एफर्ट को लेने में कभी नहीं कम हुआ. लाहौर बस लेकर गए, उसके बाद कारगिल हुआ. आलोचकों ने स्वाभाविक है खूब बातें कहीं कि साहब देखिए आप इस तरह की दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं. तो वो रीजन में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया, वो सच में उसमें पीस चाहते थे. और उनको पता था कि एथनिक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, वो जानते थे इस बात को. तो वो सच में चाहते थे कि यहाँ पर अगर सब माहौल बढ़िया रहेगा
तो सबसे ज्यादा कौन तरक्की करेगा? भारत तरक्की. अभी क्या, यू जस्ट मेड अ मेंशन ऑफ हिज रिलैक्स मोमेंट्स व्हेन ही यूज्ड टू गो ऑन वेकेशंस टू मनाली, एंड इन वन ऑफ हिज पोएम्स आई केम अक्रॉस वेयर ही सेड दैट व्हाई शुडंट वी लिव लाइफ एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट, एंड देन ही सेज दैट व्हाई शुडंट आई एडमायर ब्यूटी इन एवरी फ्रैगमेंट. इन फैक्ट दोज वर दोज मोमेंट्स which people recall when he used to be in Manali, and you yourself said that you've been to Manali with him a number of times. Share with us some moments, because the present day generation who's not seen Atal Bihari Vajpayee from very close quarters actually doesn't know his persona. People maybe would know him as an astute politician. If you ask me in one word, very romantic. And he see, what is the difference between him and a lot of other politicians? He romanced with his ideas in politics eventually to become the Prime Minister of India. As she very rightly said, that Vajpayee's legacy was pre-established before he took over as Prime Minister. So ultimately, there was a poet inside him. Ultimately, he enjoyed his relaxed moments. He looked forward to actually seeing beauty. So there was always another side to him. He was not the quintessential, hungry, manipulative politician to grab power. That is the biggest difference. So, a lot of people now spend money, strategies. See, Vajpayee didn't hire companies to do his PR. Absolutely. He spoke to the people. I've seen instances where he starts talking and people just emerge from nowhere to listen to him. So, he never believed in all this. So, he actually enjoyed that beauty and he spoke straight. He was never, ever, I mean, this is something so important, as you said, young generations must know, never hit anyone personally. जी, और स्मिता, हमारे और आपके जैसे रिपोर्टर्स की वो किस्मत नहीं थी जैसी अभिज्ञान की या राहुल महाजन की या दीपक चौरसिया की थी, लेकिन हमारे जैसे रिपोर्टर्स के लिए जब वो प्रधानमंत्री थे, 7 रेस कोर्स पर वो एक छज्जा टाइप का बनाया गया था, एक छतरी जिसमें हमारे और आपके जैसे रिपोर्टर भी शांति से छाया में खड़े हो सकते थे, एक यंग रिपोर्टर के तौर पर या जो इतने करीब नहीं थे लेकिन जो उनको कवर करते रहे, उनकी सरकार को कवर करते रहे, किस तरह का अनुभव, अगर संक्षेप में मैं आपसे पूछूं वाजपेयी को 2-3 सेंटेंस में अगर आप बताना चाहें. नहीं नहीं, बहुत सारे अनुभव हैं. जब हम बाहर खड़े रहते थे तो उनकी गाड़ी अंदर जाया करती थी और हैवी प्रोटेक्शन के कारण शीशे लुक थ्रू ग्लासेस नहीं होते थे, डार्क ग्लासेस होते थे, मगर उन्हें समझ आ जाता था कि हम बाहर खड़े हैं और तब तक कुछ नहीं आता था. और जब वो अंदर आवास में चले जाते थे 5 मिनट के बाद पानी और सब चीज़ें आ जाती थी, तो हमें पता चलता था कैसे आया, तो एसपीजी के ऑफिसर्स बताते थे कि वो अंदर से मैसेज आया कि वो लोग कब से खड़े हैं, बताओ कब से खड़े हैं, तो हम समय बताते थे तो कहते इतनी देर से खड़े हैं, जरा उनके लिए कुछ भिजवा दीजिए. तो इतना स्नेह, और मुझे तो विशेष उनका स्नेह मिला. ये इसको मैं सिर्फ सौभाग्य मांगूंगी, क्योंकि सब रिपोर्टर्स बराबर टैलेंटेड होते हैं, सबकी जीतोड़ मेहनत होती है, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतना स्नेह जरूर दिखाया क्योंकि उनके कार्यकाल के जो जो लेटर पीरियड था एनडीए गवर्नमेंट का, उस 2002 के बाद से लेकर के उस समय उनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी थी, तो एसपीजी हम लोगों को टेलीविजन बाइट लेने में बहुत डिस्करेज करती थी, हमें बहुत कठिन परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती थी, लेकिन जितनी बार उनकी नज़र पड़ी हमारे ऊपर उन्होंने इशारा किया कि इसको आने दो. और फिर उसके बाद किसी प्रोटेक्शन ग्रुप की हिम्मत नहीं थी कि समय की कोई सीमा लगा सके. जितने सवाल आप पूछना चाहें, जितने लंबे सवाल पूछना चाहें, जितने क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहें, एक प्रधानमंत्री को चलते हुए रोक लेना संसदीय दल की बैठक के बाद या किसी अन्य बैठक के बाद, रास्ते चलते बरामदे में रोक लेना और फिर जितने देर तक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें, ये सामान्य बात नहीं है. अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अब जो रिपोर्टर्स हैं, क्या उन्हें इस तरह का कोई अनुभव मिलेगा? बिल्कुल, जैसा आपने लेकिन वो छोटी बात है श्याम. मैं बड़ी बात ये मानती हूँ कि एक जो पॉलिटिकल रिपोर्टर होता है, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होता है, वो राजनीति का कहीं ना कहीं छात्र भी बन जाता है. कम से कम ऑब्जर्वर तो वो है ही, वो राजनीति में बेशक मिला हुआ ना हो, लेकिन वो एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है. तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर को राजनीति का महत्व, उसकी बारीकियां, उसकी उसका जो ध्येय है राजनीति का, इसको समझना है तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो राजनीति है जी, एक व्यक्तित्व के रूप में उनके जो कंट्रीब्यूशन है, जो धरोहर वो हमें देकर जा रहे हैं,
उसको समझे बिना भारतीय राजनीति को इनडेप्थ समझ पाना नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और उनके एक बिंदु केवल आपका राजनीतिक विरोधी घोर विरोधी है लेकिन वो आपका दुश्मन नहीं है। नहीं, मैं वही उनके उनके बड़प्पन का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि सीपीएम के एक यंगेस्ट एमपी आए थे, श्रमिक लहड़ी उनका नाम था, लहड़ी, और उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण लोकसभा में दिया, और जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो पूरा घूम के विपक्ष के उस उनके उनकी सीट पर आए और श्रमिक लहड़ी को उन्होंने शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि जी आई वुड इंटरप्ट यू हियर, यू कैन सी द लाइव विजुअल्स ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह addressing the press conference. Let's listen into him. I think the audio is taking some time to connect. As the updates which are coming in, that the funeral and the last rites will take place tomorrow at 5 p.m. at Vijay Ghat. You can see Union Minister Ravi Shankar Prasad along with Amit Shah. Party seems to be at a complete sense of loss with the demise of the strong leader who's always, whose presence itself has always inspired confidence, even though he's been inconspicuous to, since 2009, but he has always been a guiding force for the party. Let's listen into Amit Shah. अटल जी के देह अवसान के साथ ही भारतीय राजनीति के आकाश का ध्रुव तारा नहीं रहा। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके जाने के साथ ही देश ने एक अजात शत्रु राजनेता खोया है, साहित्य ने एक मूर्धन्य संवेदनशील कवि को खोया है, पत्रकारिता ने एक स्वभावगत पत्रकार को खोया है, देश की संसद ने सन 57 से संसद में गरीबों की और देश की आवाज बने हुई आवाज को खोया है, भारतीय जनसंघ से स्थापक सदस्य और भाजपा ने अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष खोया है, और करोड़ों युवाओं ने अपनी प्रेरणा को खोया है। अटल जी के न रहने से देश की राजनीति में जो रिक्तता खड़ी हुई है, वो रिक्तता को लंबे समय तक भरना असंभव है। अटल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी होने के साथ साथ एक कुशल संगठक के नाते पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींव को डालना और एक बीज में से वटवृक्ष बनाने तक की यात्रा को अटल जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। देशभक्ति की जहां पर भी संसद में जरूरियात होती थी, अटल जी उसकी आवाज बने। न केवल भारतीय जनता पार्टी, समूची संसद का विश्वास होता था कि अटल जी जो कहेंगे वो देश के हित में होगा, और आज मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती, परंतु देश के सार्वजनिक जीवन में भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मुझे लगता है इसकी पूर्ति होना असंभव है। अटल जी ने कई सारे मौकों पर, चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ की लड़ाई हो, चाहे कश्मीर में कश्मीर के लिए यूएन में आवाज बुलंद करनी हो, चाहे
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त स्टैंड लेना हो, चाहे हिंदी को प्रमुखता से देश में फैलाव के लिए आगे ले जाना हो, चाहे एक बैलेंस नेता के नाते समस्याओं का समाधान करने की दिशा में पूरे देश को समाधान देने हो, अटल जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता के नाते काम नहीं किया, सार्वजनिक जीवन के एक देशभक्त नेता के नाते पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के दुनिया भर में फैले करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों की ओर से गहरे दुख की संवेदना व्यक्त करता हूं, और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्पवान होते हैं कि अटल जी जो काम छोड़ कर गए हैं वो पार्टी के मिशन को हम आगे ले जाएंगे। मित्रों, अभी 9:30 बजे से अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके निवास स्थान पर ही व्यवस्था की गई है। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक यही निवास स्थान पर भी अटल जी के अंतिम दर्शन होंगे। 9:00 बजे उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय 6A दीनदयाल मार्ग पर ले जाया जाएगा और 1:00 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और 4:00 बजे राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे। मैं जानता हूं व्यक्ति के जाने से विचार खत्म नहीं होते, व्यक्ति के जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होते, व्यक्ति के जाने से विचारधाराएं उनके कर्तृत्व के कारण ज्यादा दृढ़ होती है, आंदोलन और पैने होते हैं, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल जी के आज दुखद निधन के अवसर पर देश को आगे ले जाने के लिए पुनः एक बार संकल्पित होकर देश को आगे ले जाने का भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसका मैं देश को आश्वासन देता हूं। अटल जी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अटल जी के चाहने वाले दलों से भी ऊपर उठकर दुनिया भर में जो बिखरे हुए हैं सभी को ये दुख सहन करने की परमात्मा शक्ति दे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Emotional outpouring from the party president Amit Shah, who was addressing the press and also informing the people that the people can come for the last darshan of Atal Bihari Vajpayee at his 6 Krishna Menon Marg residence. And also from morning 7:30 to 8:30, the last darshans can take place, from where the body will be taken to the BJP headquarters at about 9 a.m. And from there, the last procession starts around 1 p.m. where the body will be taken for the last rites. So an emotional outpouring there coming for the party president, and how he encapsulated the persona of Atal Bihari Vajpayee, and how he was a consummate politician, a brilliant orator, and he touched every aspect of life. That is what was emphasized by party president. Tarun Vijay, BJP leader, joins us on Rajya Sabha TV. Tarun Vijay ji, I'm sure we all are speechless at this point of time, but a great sense of loss for BJP. What from here on now? He brought the paradigm shift in Indian politics. He added the elements of decency, dialogue and development. Today, Narendra Modi government is exactly following the legacy of development of Atal Bihari Vajpayee ji. Atal ji was a great, brave, courageous and strong like a rock. During Kargil and during Pokhran, he faced all the sanctions and replied very candidly and very bravely to the American bullies. He created his own supercomputer here through the scientists like Vijay Bhatkar and Anil Kakodkar. He created 3 states, Jharkhand, Uttarakhand and Chhattisgarh, in such a smooth way that there was not a single incident of conflict, friction or violence. We have seen that when other states have been created, how much violence did occur. Right. He was the first prime minister to give the
largest package for the Northeast's development, and also to have this golden quadrangle connecting east to west and north to south. It has changed the road map of India, and today the foundation of technological revolution, telecommunication revolution, were led during Vajpayee's time. जी तरुण विजय जी, प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी जी ने जो जो भारत को दिया और जिस तरह के राजनीतिक फैसले लिए, चाहे वो नए राज्य गठन का सवाल हो या पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट करने का सवाल हो या फिर जिस तरह से हाईवेज का निर्माण उन्होंने कराया, वो एक एक पहलू है उनके पूरे बड़े व्यक्तित्व का। लेकिन वो आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के संपादक भी रहे और उनकी विरासत आपने संभाली, तो एक पत्रकार के तौर पर भी और उनकी विरासत आपने संभाली, आप उनके एक तरह से वारिस बने, उस मुखपत्र का संपादन आपने भी किया, तो वहाँ से प्रधानमंत्री तक का सफर आप कैसे देखते हैं? एक्सट्रीम लैंग्वेज, एंड व्हेन आई वाज एडिटर ऑफ पांचजन्य एंड वी वर सेलिब्रेटिंग द गोल्डन जुबली ऑफ पांचजन्य, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वुड ऑफन गाइड अस the kind of language we should be using, and he said that journalism is not like selling soap. It's a mission. It's a noble mission, and it should be taken with that kind of a sincerity and seriousness. I remember once we had published a story on how the common people were unknown heroes. They were changing the Indian society by fighting against the caste-based discriminations and hatred. And we published a special issue where the Shankaracharya ji and the leader of Vishwahindu Parishad, Ashok ji, went to the home of Kashi's Dome Raja, the person who was in charge of the cremation ground in Kashi and considered lowest amongst the low, even amongst the scheduled caste. And that was a kind of social harmony we projected, and Atal ji called us and said that this is a kind of journalism that he would like to see, because good things in India, good social initiatives in India are never projected by the media houses. Once we published something about Mother India being distraught by the multinational companies in that Swadeshi movement, so he called from his Prime Minister's office and said that Vijay ji, hold on your thoughts, we'll come back to you again. Joining us now is Ajay Singh, the editorial director of Governance Now. Ajay, you've also seen Atal Bihari Vajpayee very closely, and if you remember one of the poems where he wrote that victory and defeat are to be seen with equanimity, not a contrarian view. If you look at this aspect of his life, how would you really read his life very closely? Well, I have heard so much, so many stories about his electoral losses and victory, in which he took it as he took it with equanimity, and he was not at all perturbed by the losses. In 50s and 60s, BJS. Rather, that was the previous organization, the party was not able to win the seats, and Atalji had lost so many elections. But after losing the elections, in most of the cases, it appeared as if he has taken all that in his stride. So that stories we have heard from older leaders, and Atalji was known for that. जी, और अजय सिंह जी, क्या ये कहा जा सकता है कि आज जो मजबूत भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है, उसके अपने 282 सांसद हैं, हालांकि अभी भी एनडीए की सरकार यहां पर चल रही है, उसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी एक वक्त में, जो अटल आडवाणी की जोड़ी थी जो दो सांसदों से लेकर पार्टी को आगे बढ़ी और एक सफल गठबंधन 24 पार्टियों का चलाया और भारतीय जनता पार्टी को, उसके कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाया कि वो अपने दम पर भारत में सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जोड़ी थी ना, ये भारतीय राजनीति में इस तरह की जोड़ी कोई हुई ही नहीं है, और ये जोड़ी ने बीजेपी और बीजेएस की जो जर्नी थी उसको एक अच्छे एंड तक ले गई।
लेकिन अटल जी के बारे में एक और चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब शायद वो इतना ज़्यादा खुल के नहीं आया, वो ये सामाजिक न्याय, अगर आप उनका 60s और 70s से भी उठा के देखें तो कभी भी वो उन्हीं पक्ष के साथ खड़े होते दिखाई देते थे जो पिछड़े होते थे, शेड्यूल कास्ट, हमेशा पार्टी, जबकि ये राइट विंग पार्टी मानी जाती थी उनकी, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन था वो हमेशा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के साथ था। और ये अगर आप देखिए तो 84-85 में जब एंटी रिजर्वेशन स्ट्राइक अहमदाबाद में होने लगा था, उस समय उन्होंने जाके इस बात को कहा कि अगर भगवान भी आ जाए और मुझसे कहे कि रिजर्वेशन हटा दो तो मैं नहीं हटाऊंगा। ये वहाँ के लोगों ने हमें बताया था। ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होता था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जो कामयाबी है उसका राज शायद यही है के जो OBCs हैं, जो और जो पिछड़े तबके हैं समाज के, उन सबको साथ लेके भारतीय जनता पार्टी लड़ी और उसके बाद भी लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा आया। और इसके बीच कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने डाले और वो बहुत अच्छी तरह से भारत को, भारत के समाज को और यहाँ की राजनीति को समझते थे, उसकी बारीकियों को समझते थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। और अभिज्ञान, हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे संसद में वाजपेयी जी का व्यवहार कैसा था, और मैं बता रहा था कि श्रमिक लहरी एक जो यंग एमपी थे सीपीएम के, उनको कैसे उन्होंने आके शाबाशी दी। स्मिता ने सही कहा कि समय अलग अलग होता है, वो वाजपेयी जी का ईरा था, उनका अपना तरीका था काम करने का, आज का दौर अलग है। लेकिन आज भी जब हम संसद की तरफ देखते हैं और वाजपेयी का दौर देखते हैं तो कह सकते हैं कि वाजपेयी एक उदाहरण पेश करते हैं कि एक सांसद को कैसा होना चाहिए, एक नेता विपक्ष को कैसा होना चाहिए, एक लीडर ऑफ द हाउस को कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि जैसे स्मिता ने कहा कि भाई उनकी अपनी लेगेसी वो उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले की थी और उसमें चार चांद लगे जब इस स्टेचर का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बना। तो मैं सुबह से ये बात कह रहा हूँ कि जितने लोग अटल जी को याद कर रहे हैं वो सबसे पहले उनकी बातों को समझें और उसका अनुसरण करना सीखें, चाहे वो संसद में हो या संसद के बाहर हो। आज जिस तरह का तमाशा देखने को मिलता है संसद के भीतर कभी कभी, तो क्या आप सोच सकते थे कि उनके समय में इस तरह के, कितनी मैंने उनकी बहस सुनी है संसद में, कितनी बार वो बोलने की उनकी, मतलब जब वो बोलते थे तो पूरा एक हिस्सा शांत हो जाता था जी सुनने के लिए। तो वो उनके बोलने की क्षमता और गरिमा थी। तो सबको कभी भी भारतीय संसद में कम से कम एक युग अब हमारे सामने है जो संसद को बगैर अटल बिहारी वाजपेयी के याद ही नहीं कर सकते। तो मैं आपसे सीधी बात ये कहता हूं कि आप मुझे पोस्ट अटल बिहारी वाजपेयी बताइए किस नेता ने उस तरह की छाप छोड़ी। नहीं बिल्कुल यू राइट 100% किसी भी पार्टी से, मतलब मैं यहां पे पार्टीज का जिक्र नहीं कर रहा। राइट बट अभिज्ञान, हिज स्टिंट एज प्राइम मिनिस्टर लाइक फ्रॉम 13 डेज टू 13 मंथ्स एंड देन व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 इयर्स विद एवरी फेलियर इट सीम्ड दैट ही टुक द फेलियर एज अ चैलेंज एंड देन ही ग्रो अपॉन दोज फेलियर्स एंड टर्न देम इनटू हिज ओन एडवांटेज। But at the same time, you know, there was one maxim in which he believed all his life, in which he has penned various poems on this, that power was never an attraction for him. Yeah. So how would you really encapsulate this ability of Atal Bihari Vajpayee? As I said a little while earlier, he was a complete romantic. He was not today's modern day politician who hired agencies and manipulated his way up to power. He just believed in something and the conviction level was very high and therefore he never compromised. So, and he was a much better prime minister after the 13-month stint. Also, never forget that it was the first time that BJP was having a prime minister. You understand? So, it did not come that close to running the government ever. Right. So, there's always a first time in life. So, when he came back after the 13 months, he was a completely different prime minister then. And obviously, Kargil had happened, which in a way was a setback for Vajpayee because Lahore bus yatra failed for him. But nevertheless, as I said, his conviction was something which is extremely
जाना, एक सवाल उनसे जरूर पूछना चाहेंगे। तरुण विजय, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और जैसा कि अभिज्ञान अभी कह रहे थे कि कई ऐसे मौके आए जिसको सेटबैक के तौर पे माना जा सकता था अगर कोई साधारण क्षमता का नेता होता। कारगिल के बाद शायद किसी के और के लिए जीतना शायद मुश्किल होता है चुनाव, और देश का भरोसा जीतना, जितनी बार भी ऐसा हुआ देश उनके साथ खड़ा हुआ। ये वाजपेयी का व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व का करिश्मा, उनका कन्विक्शन था। कारगिल में भारत ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की थी, तो देश को उससे अवसाद क्यों होना चाहिए था। और उन्होंने एक चट्टानी दृढ़ता का परिचय दिया था। पोखरण विस्फोट के समय अमेरिकी प्रतिबंधों को उन्होंने धता बताया और पूरे विश्व के तमाम तरह की आलोचनाओं का सामना करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम है, अगर मेरे देश को सैन्य शक्ति की बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम उसे करेंगे और किसी की परवाह नहीं करेंगे। सुपर कंप्यूटर किया, क्रायोजेनिक इंजन किया, स्वर्णिम चतुर्भुज से पूरे देश को जोड़ा, और उस पूरे इतने हजारों करोड़ के काम में एक जगह का भी भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण तक नहीं मिला। उन्होंने तीन तीन प्रदेश बनाए जिसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ और बहुत आराम से सौम्यता के साथ उन्होंने करवाया। कारगिल के बाद पाकिस्तान से अगर शांति की बात करनी थी तो उन्होंने सीमोल्लंघन भी किया, वो भी काम किया, लेकिन सबसे बड़ी उनकी खूबी थी कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शालीनता और भद्रता जी, इन दो तत्वों का बहुत अधिक समावेश किया। और उनके भाषणों में भी अक्सर हम देखते थे कि जो एक विट, एक व्यंग और एक शालीनता रहती थी। अब मुझे कई उदाहरण याद है, एक तो मारुति के समय उनका एक घंटे का भाषण हुआ इंदिरा गांधी के, कांग्रेस पे वो तमाम आक्रमण कर रहे थे, और अंत में उन्होंने एक वाक्य कहा, बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। सारा सदन खिलखिला के हंस पड़ा और उनके विरोधी भी उनका इस कारण से सम्मान करते थे। यू मेड अ सिग्निफिकेंट पॉइंट तरुण ओवर देयर, बट आई वंडर इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट हाउ मेनी पॉलिटिशियंस रियली इंस्पायर दैट काइंड ऑफ सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी विद व्हिच अटल बिहारी वाजपेयी इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ पॉलिटिशियन एंड पीपल विटनेस्ड हिम एज अ पॉलिटिशियन। व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू अभिज्ञान नाउ इज दैट अटल बिहारी वाजपेयी वॉज one of the first politicians in the country who introduced who actually brought in the concept of bipolarity in Indian politics. Yeah. One party system the country was used to post 1947, and he was the first politician who brought in the concept. How was this concept in those times taken by the people, by the politicians, when you had two poles like BJP and Congress? That's a very good question, because the greatest point about Atal Bihari Vajpayee, and Tarun is here, is his ability to bring in trust. When does politics fall apart? When there is trust deficit. Absolutely. Here was a man, and so many leaders of the ally parties told me then that as long as it is Atalji, we trust him. He's not going to come to power to use it again. So that trust was something which, you know, I mean, you had an experiment in the Janata regime which didn't last. So the problem, there was a dual membership issue. So everything was linked to trust. But once Atal Bihari Vajpayee came in the forefront, and after the 13-day experiment, India could see that we have in Atal Bihari Vajpayee the absolutely legendary fine speech of his in Parliament, a leader who's ready to lead. So he bought. I've seen instances, including my time in Mumbai and, of course, the Thackeray family. So the trust that Vajpayee God, what is politics all about? Today, if a new coalition is to be created, there has to be that one person the rest of the people trust. That, okay, this is the person leading us and we are okay with. That was something which, till Atal Bihari Vajpayee arrived, no one else. There had been experimental coalition government. Absolutely. But the trust was missing. That no one had. वो भरोसा वाजपेयी लेके आए। देखो वाजपेयी, लेकिन स्मिता, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद गुड गवर्नेंस, ये इसका एक सिलसिला शुरू होता है कि ये एक मुद्दा होगा चुनाव में, राजनीति में। अर्थव्यवस्था को गति मिली वाजपेयी जी के ज़माने में, उन्होंने सड़कों के महत्व को समझा, उन्होंने नदियों को जोड़ने की बात की, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। तो एक बहुत प्रगतिशील नेता के तौर पर वाजपेयी नज़र आते हैं। एक सिर्फ कवि हृदय, रोमांटिक, ये भी एक पक्ष है। जी।
लेकिन एक प्रशासक के तौर पर आपने बड़े करीब से उस सरकार को कवर किया है, कितनी सहमत है? मैं श्याम, मैं आज ही इस पर सोच रही थी कि हम सब बहुत इस पर स्ट्रेस करते हैं कि वाजपेयी जी सचमुच कवि हृदय थे और बेशक थे, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम ये दोनों जो उनके भूमिकाएं हैं या ये जो उनके व्यक्तित्व के पक्ष हैं, एक मतलब एक मजबूत राजनेता और दूसरी तरफ एक कोमल कवि हृदय, क्या इनको हम अलग अलग रख के कंपार्टमेंटलाइज करके देखें क्या? तब मुझे कहीं ये फील हुआ कि वास्तव में कोई विरोधाभास है नहीं श्याम, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कवि हृदय जो होता है ना, उसको हम बहुत ही कोमल और बहुत ही सॉफ्ट दिल का, सॉफ्ट भावनाओं से जुड़ा ही नहीं देखना चाहिए। सच्चा कवि कौन होता है? जो हमेशा हर स्थिति में अपनी बात को कह सके, संवेदनशील, जो पूरी बेबाकी से कह सके। एक कवि हृदय जो है वो केवल कोमल भावनाओं से परिचित नहीं होता। यू मेड अ सिग्निफिकेंट पॉइंट, इनफैक्ट इन वन ऑफ हिज रैलीज, आई थिंक अभिज्ञान वुड वाउच फॉर इट इफ आई, एंड ही कैन करेक्ट मी आल्सो, दैट ही एक्चुअली सेड दैट माय पोएट्स हार्ट गिव्स मी स्ट्रेंथ टू फेस प्रॉब्लम्स एज अ पॉलिटिशियन बिकॉज इट हैज अ बेयरिंग। लेट मी ऐड दैट यू सी देयर इज एक्चुअली नो कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज व्हेन वी से अ हार्ट ऑफ अ पोएट इज हु इज एक्चुअली अ पोएट? One who can speak truth without thinking of the consequences. It requires so much of courage. क्या आप जानते हैं श्याम कि वाजपेयी जी ने उस जमाने में अपने कॉलेज के समय में जब एमए कंप्लीट किया तो बहुत ही बढ़िया नंबरों से वो पास हुए, और ये वो जमाना था जब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में स्कोर नहीं करते थे विद्यार्थी, नंबर बहुत कंजूसी से मिला करते थे। उस जमाने में इतना अच्छा नंबर वो लेकर आए, और वो निहायत ही साधारण परिवार से थे, अभाव का जीवन उन्होंने देखा था। उस समय उस युवक के मन को आप सोचिए कि उसको उस समय उस जमाने में इतना यूपीएससी वगैरह की दिक्कतें नहीं थी, अच्छी क्लास वन नौकरी, मजिस्ट्रेट की नौकरी तो सीधे मिल जाती थी। आप सोचिए कि वो कितना साहसी युवक था जो उस युवा उम्र में उसने ये हिम्मत की कि वो चाहता तो एक बढ़िया नौकरी अफसर की ले लेते और उस अभाव से निकल करके सुविधा में जीवन जीते और अपना भाग्य बदल सकते थे, लेकिन उनको वो नहीं करना था। उनको उन्होंने कठिन रास्ता चुना, वो हर बार कठिन रास्ता चुनते थे। वो 13 महीने की जब सरकार बनी और गिर गई सरकार, उसके बाद भी कठिन रास्ता चुना। उसके बाद पहली बार एक सरकार में लेकर आए, पोखरण जैसा साहस दिखाया। आप समझ सकते हैं कि जब करगिल हुआ उसके बाद, बस यात्रा के बाद करगिल हमें उपहार में दिया हमारे पड़ोसी ने, उसके बाद भी उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं छोड़ी। जब वो श्रीनगर गए थे तो मिलिटेंसी पीक पर थी, पीक पर मिलिटेंसी, शांति में उनकी जो आस्था थी, जो विश्वास था, वास्तव में शांति की पहल और शांति के रास्ते को वही अपनाता है जिसमें सबसे ज्यादा साहस होता है, क्योंकि ये आसान नहीं होता, ये किसी कायर का व्यक्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए मैं मानती हूं कि जो हिम्मत, जो साहस अटल जी ने हर कदम पे दिखाई, कितने साल से इतनी सरकारें हो चुकी थी, क्या स्वर्णिम चतुर्भुज जैसा विजन किसी ने सोचा था? एक तरफ देश में स्वर्णिम चतुर्भुज बन रहा था और दूसरी तरफ गांव में लोगों के घर घर तक सड़क पहुंच रही थी। उससे कुछ साल पहले, दशक तो छोड़ दीजिए, कुछ साल पहले हम लोग भी कीचड़ में घुटनों तक घुस करके बरसात में अपने गांव जाया करते थे। कोई कोई ग्रामीण भारतीय सोच सकता था कि गांव में उसके घर पे गाड़ी आएगी? वो वाहन जो है, जो बस उसको कई किलोमीटर दूर छोड़ देती है और वो कंधे पे सामान लाद के अपने गांव जाता है कि उसके दरवाजे तक कभी ट्रांसपोर्ट पहुंचेगा? तो उस समय तो अनथिंकेबल था, अनथिंकेबल था, लेकिन उसी टर्म में करके भी दिखा दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति में साहस, और मैं तो मानती हूं कि सबसे बड़ा साहस उन्होंने विदेश नीति में दिखाया, देश के विकास का विजन तैयार करना। वो ये मानते थे कि ऊंचा विजन होगा तभी काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत जैसे देश में छोटे छोटे कदम से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन मैं ये मानती हूं कि सबसे बड़ा साहस जो उन्होंने दिखाया, जैसा कि अभिज्ञान जी ने याद दिलाया, ऐसा नहीं है कि वाजपेयी जी ने जब शपथ लिया तो वो पहला कोएलिशन सरकार था। उससे पहले राज्यों में तो बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए थे और केंद्र में भी एक बार उसका कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें और वाजपेयी सरकार में अंतर केवल ये था कि यहाँ जो फैसले थे
अटल बिहारी वाजपेयी पिछले कोएलिशन सरकार का भी हिस्सा जरूर थे, बाहर से वो समर्थक जी बिल्कुल, नेतृत्व उनके हाथ में था जी। द होल डिफरेंस अमंग द अर्लियर कोएलिशन एक्सपेरिमेंट्स एंड द एनडीए वन रेजिम वाज दिस वन हैड वाजपेयी एट द हेल्म। बिल्कुल, और अभिज्ञान इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे नीलू के ममता बनर्जी जिस गठबंधन को समर्थन दे रही हो या जिसका हिस्सा हो, जयललिता हो, एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला हो, दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल हो, है ना, और चंद्रबाबू नायडू हो, ये सारे अपने अपने राज्यों के क्षत्रप हैं, दिग्गज हैं, इनको संभालना वाजपेयी जी के अलावा शायद किसी के लिए आसान काम था नहीं। बहुत अच्छी बात है, और संभालने के साथ साथ ये भी था ना कि भाई आप वो अपने अपने राज्यों में एंटी कांग्रेसिज्म पे बने थे, ठीक है, और अपनी पकड़ रखते। देखिए कितना अजीब सी बात है, आज हम लोग सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं और हिंदुस्तान की राजनीति कुल उस तरह के मकाम पे फिर खड़ी हुई है, लेकिन उनको ये नहीं लगता था कि बीजेपी, वाजपेयी की बीजेपी उनकी जगह को खा जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए, आज कॉन्फ्लिक्ट है ना, बाकी छोटी पार्टियों को डर नहीं लगता, वो डर नहीं था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सोच बड़ी थी ना, तो वो उन भाई क्यों उनके बारे में लोग कहते थे सबको साथ लेकर चलो। अरे आप प्रधानमंत्री, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, एक आध दो पार्टियां तो आप भी उसको नुकसान जी। अभिज्ञान जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, प्रसून जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रसून जी, किस तरह से वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे राज्यसभा टीवी पर, किस तरह से उनको याद करेंगे? देखिए अटल जी को सभी याद कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने भी, जिनका भी अटल जी से किसी तरह का संबंध रहा है, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनको कुछ बार मिला, और पहली बार उन्होंने स्वयं भी आमंत्रित किया, कुछ मेरी कविताओं की पंक्तियां उन्होंने उद्धृत की थी कहीं, तो मुझे सौभाग्य भी मिला कि उनसे कुछ कविताएं मैंने सुनी, उन्होंने मुझे सुनाई, क्योंकि बहुत स्वतः स्फूर्त ढंग से वो कविताओं का पाठ करते थे, और किसी कवि को देखकर सामने तो उनको जरूर अच्छा लगता था कि वो अपनी कविता सुनाएं, और तो उनकी जो कविता है कि गीत नया गाता हूँ मैं, गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, तो ये कविता उन्होंने मुझे सुनाई थी। और जब आज मैंने उनको ट्रिब्यूट दिया तो उसमें एक्चुअली मैंने इसी के ऊपर लिख दिया कि हम हार नहीं मानेंगे, हम रार नहीं ठानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम रार नहीं ठानेंगे, तेरी रीत अटल रखेंगे, तेरी गीत अटल रखेंगे। जी 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 एब्सोल्युटली, जो उनका एक साहित्यिक पक्ष है जो राजनीति को ज्यादा परिष्कृत करता है, एब्सोल्युटली, जो साहित्यिक सोच है, और वो ये मानते भी थे कि साहित्य के राजनीति में आने से राजनीति का भला होता है, राजनीति परिष्कृत होती है, और ये बात उनके जीवन पर्यंत परिलक्षित होती रही, उनके जितने भी राजनीतिक निर्णय थे या संबंध थे, तो अटल जी का जो की रिक्तता है उसकी पूर्ति संभव नहीं रही। Absolutely. Prasoon, you hold on your thoughts. We'll come back to you again. And the way you recounted those lines from his poems actually shows that he was a man with grit, with determination. And Abhigyan, you would also recount that when he lost the election, he actually said in his speech inside the house that I have lost an election, but I have not lost my determination. Yeah. And that never deterred him from the kind of vision which he had charted out in his mind, that what he wanted to do for India, what he wanted to do for his fellow beings in the country. What was your experience at that point of time when he made that speech? You all must have interacted with him. Yeah. What was the feeling you got? He was very clear. I mean, I've seen him in that position when he lost his government by a single vote, the whole incident in Parliament. So, but the point here is, these were the things that made him different from anyone else. So, in any situation, his agenda was not politics of power. You understand? So that immediately created an environment where there was not too much of manipulation expected. Sadnet, I remember Kumara Mangalam, he used to be one of the parliamentary affairs minister along with Pramod. And everybody was in shock. You know, the government had fallen. I was in parliament. And he was the only man who, to my eyes, looked the coolest. Because... And please remember, Kargil happened when he was the caretaker prime minister. Right, yeah. So
as I keep saying, that he was a man whose intent to do power politics was not to reach anywhere. So that was the big difference. Everyone else is doing power politics. He did not hire agencies and he directly spoke to the people of this country. So he was not this manipulative politician who had to become something and come to power, then, you know, live with total arrogance that we see today. So he was not that. He was Atal Bihari Vajpayee. जी और 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 इसी तरह का व्यक्तित्व 2004 में भी सामने आता है जब चुनाव हार जाते हैं यूपीए सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीतता है और क्योंकि एडवांस कराए थे 6 महीने चुनाव और प्रमोद महाजन उस दिन बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एकमात्र नेता मौजूद थे और मुझे याद है आज भी उन्होंने कहा था कि जीत के 100 बाप होते हैं और हार का कोई नहीं होता लेकिन प्रमोद महाजन पीछे नहीं हटेगा. वाजपेयी जी से जब सवाल पूछा गया कि क्या कहेंगे आपके गलती की 6 महीने पहले चुनाव करा के, बोला वो तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 6 महीने और सरकार चला लेते तो उसमें था उनका एक जो एक बड़प्पन और बहुत गंभीर बात को बहुत पेचीदा बात को बहुत साधारण शब्दों में कहने की क्षमता रखते थे वो. देखिए यही उनके जब कोई व्यक्ति का कोई पर्सनैलिटी जब होती है ना, जब उसकी सोच में उसके विजन में उसके विचारों में गहराई होती है ना, डेप्थ होता है. अच्छा, तो स्मिता, आई इंटरप्ट यू हियर. पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर जॉइंस अस. लता जी वेलकम ऑन राज्यसभा टीवी. इट्स रादर ग्रिम नोट वेयर वी आर गेटिंग टू इंटरैक्ट विथ यू, लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि शायद शब्द काफ़ी नहीं है इस समय. जो एक सेंस ऑफ लॉस है और जिस तरह से पूरा जो देश है वो उस समय शोक में डूबा हुआ है अटल जी के जाने के बाद, तो इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अटल जी के जाने के बाद भारत अनाथ हो गया है. मैं उनको बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे. उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया था और मुझे हमेशा कहते थे कि आप मेरी बेटी हैं और मैं बहुत खुश हूँ. मुझे मतलब हमेशा कहा करते थे. मैं उनको दद्दा नाम से बुलाया करती थी. मेरा तो आज बहुत बुरा दिन है. मुझे तो वो दिन याद आता है जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ हुई थी. आज मुझे वही वैसा ही लग रहा है. लता जी, इंडीड इट्स अ डे व्हेन द एंटायर नेशन इज मॉर्निंग एंड वी ऑल आर स्पीचलेस as to what to say when a leader like Atal Bihari Vajpayee is no more. Lekin aapka judav hamesha sangeet se raha hai aur sangeet aur kavita ka ek hamesha se ek sangam dekha gaya hai. To agar kavita aur sangeet ki main ek saath baat karu to aap apne kuch experiences hamare saath share karna chahengi ki kavita aur sangeet ko? Maine unki sab kavitaen padhi hai aur usme se kuch kavitaen maine निकाल के रिकॉर्ड भी की है और वो रिकॉर्ड मैंने उनको सुनाया था, मतलब टेप सुनाया था और उनको बहुत अच्छा लगा था और मुझे कहा कि बहुत सुंदर हुआ है और हम लोग इसका रिलीज जो होगा वो हमारे अपने घर में होगा, मतलब दिल्ली में जी. और वैसे ही हुआ, हमने दिल्ली में जाके वो रिकॉर्ड रिलीज किया. सब अच्छा बोले और मुझे भी बोलने के लिए कहा गया. तो मैं जब खड़ी हुई तो मैंने कहा कि मैं उनको अपने पिता जैसे मानती हूँ और उनके गाने रिकॉर्ड करने का मुझे मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है. पर एक बात मुझे किसी ने कही है कि अटल और लता इसमें बहुत साम्य है, मतलब जैसे कि ATAL अटल, LATA लता. तो बहुत खुश हुए और हंसने लगे. मुझे कहने लगे ये कहाँ से सूझा आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही सूझा कि ये हो रहा है, मतलब आपके मेरे नाम में. तो बहुत खुश हुए थे
और उनको वो गाने बहुत अच्छे लगे। आज लता जी, आज इस मौके पे उनकी कोई कविता अगर आपके जहन में है और वो लाइंस आपके मन में इस समय आ रही हैं तो क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? मैं गा तो नहीं सकूंगी, पर उनको एक उनकी कविता बहुत पसंद थी, वो थी गीत नया गाता हूँ, तो वो मैंने रिकॉर्ड की है कि गीत नया गाता हूँ, और उनको बहुत अच्छा लगा। जी जी लता मंगेशकर जी, गाना तो मेरे नहीं, ये कोई मौका भी नहीं है कि हम आपसे गाने की दरख्वास्त करें, लेकिन आपने श्रद्धांजलि दी अटल बिहारी वाजपेयी को, राज्यसभा टीवी पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक भारत रत्न दूसरे भारत रत्न को श्रद्धांजलि दे रहा है, कितना बड़प्पन है कि मेरे पिता तुल्य थे, मतलब स्वर सम्राज्ञी जिनके बारे में दुनिया जानना चाहती है, वो कितने विनम्रता से, कितना बड़ा व्यक्तित्व। जी बेटी की तरह जी लता जी को प्यार देते थे। जी तो स्मिता, जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो कवि थे, उनके व्यक्तित्व के कई पहलू थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर बेहद कुशल प्रशासक थे, और उन्होंने वो परंपरा शुरू की जब विकास, गुड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था की गति, ये सब चर्चा के केंद्र में बनने लगे, और आप बता रही थी कि कैसे गांव-गांव तक सड़क उनके जमाने में पहुंची। सड़क का मैंने इसलिए जिक्र किया, वैसे तो वाजपेयी रेजिम में बहुत सारी नई नीतियां और कार्यक्रम लाए गए थे, लेकिन सड़क को लेकर हम इसलिए प्रभावित महसूस करते हैं क्योंकि ये अनथिंकेबल था कि गांव में किसी ग्रामीण के घर तक, दरवाजे तक सड़क कभी पहुंचेगी। और लोगों ने जब एक्चुअली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को लेकर जब वो पूरा वो प्रोग्राम सामने आया तो लोगों को लगा कि ये तो नामुमकिन जैसा काम है, ये कैसे पूरा हो पाएगा। लेकिन जब 2004 में सरकार गिरी तो आपको मालूम है कि कितने हजारों गांव कवर हो चुके थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, और तब से वो कार्यक्रम जारी रहा। मैं आपके वो विकास को राजनीति के मेन स्ट्रीम में लाना कि वो केवल एक सोच की बात ना हो बल्कि उस पर भी राजनीति को आधारित किया जा सकता है, विकास और गुड गवर्नेंस सुशासन जो है वो भी राजनीति का एक आधार बन सकता है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने सामने लाया, उस पर वो अडिग रहे। 2004 में जब वो सरकार गिरी तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा लेकिन उन्हीं के सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए थे जी। और वो बड़े दुखी थे इस बात से कि हमने विकास की राजनीति की, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राजनीति करने की कोशिश की, तो इस देश की जनता, हमारा जो मतदाता है वो इसको समझने के उसमें नहीं है, मनस्थिति में नहीं है। आई वुड जस्ट लाइक टू एंड माय सेंटेंस बाय सेइंग कि उसमें वो सरकार जब चली गई तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि क्या भारतीय राजनीति में विकास की राजनीति का कोई अर्थ है। स्मिता, आई जस्ट इंटरप्ट यू हियर, दीज आर लाइव विजुअल्स कमिंग टू यू फ्रॉम 6 कृष्णा मेनन मार्ग, वेयर यू कैन सी the body of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. People are pouring in from all across to pay their respect. And as what the information is, that tomorrow the last rites will take place around 5 p.m. at Rashtriya Smriti Sthal. The body will be taken to the party headquarters at around 9 a.m. in the morning, and from there the procession will start at around 1 p.m.